जमाना बेइज्जती समझती, फांसी लगा के मर जाओ, रेल की पटरी में कट के मर जाओ, लेकिन मेहनत करके नहीं खाना। अच्छा, पूरे गांव का सिस्टम है क्या? हमारे गांव में यही है। अच्छा, भजन किया खाए, कहीं जूता लात खाए, कहीं रोटी खाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं छीन के खाने की? आप बोल रहे हो घर बार है, सब है, घर गृहस्थी वाला? नहीं नहीं, पहले था, अब नहीं। अच्छा, घर गृहस्थी वाले तो 2004 से हम घर से भाग रहे। अच्छा, घर से भाग। तो आपके बाल बच्चे भी होंगे? बच्चे उच्चे कोई नहीं। अच्छा, पत्नी है? कोई नहीं, पत्नी वत्नी नहीं। अच्छा, घर गृहस्थी वाले नहीं हो आप? ऐसे ही हैं। अच्छा, शुरू से सब लक्कड़ फक्कड़ है कुछ? अच्छा, फक्कड़ बाबा हो आप? फक्कड़, हाँ। अच्छा जी, ये सारा ज्ञान आप फक्कड़ बाबा बन के ही लिए हो? फक्कड़ है अति विचित्र रघुपति चरित्र, मोदी का इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा जी, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। अच्छा जी, मोदी का कोई नहीं, घरवाली थी उसको छोड़ दिया। अच्छा जी, अब कोई है नहीं। अच्छा, अब वो बेचारा राम का मंदिर बना रहा। अयोध्या में बन गया ना, आप जाओगे? नहीं, मैं वहीं जाऊंगा। हाँ, 22 तारीख को 22 तारीख को जाऊंगा। अभी जाऊंगा सिद्धवली कोर्ट द्वार, फिर वहाँ से जाऊंगा इलाहाबाद। तो महाराज जी, इतनी माला कैसे पहन रखी है? ये कपड़ा पहनने को है नहीं, तो इससे गर्मी लगती है। अच्छा जी, इसलिए पहले था कुर्ता। तो आप अभी हरिद्वार के दर्शन करने आ गए? हरिद्वार आए हैं, यहाँ रहेंगे, देखेंगे। अच्छा जी, ये भगवान शंकर की ससुराल है। अच्छा, भगवान शंकर की ससुराल है। यहाँ खाना पीना कोई नहीं देता। अच्छा, तो ये हरिद्वार पे जाते हैं चप्पल अपन पहन के, उनको क्या कहना चाहोगे? चप्पल जो हरिद्वार में आएगा पहन के, वो घरवाली की जूता खाएगा। क्या बात है। हाँ, जो भगवान को दोगे वही मिलेगा। अच्छा जी, जो चप्पल पहन के जाएगा हरिद्वार, जूता छाता कर छड़ी और मसाल, एक ही तीर्थ ले आई है सोई, कीट पतंग होएंगे चाहे होए भुआल। भगवान राम रावण को मार के जब अयोध्या लौट के आए तो गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु जी हमारा अभिषेक करा दो, अब हम राजा बनेंगे। वशिष्ठ ने कहा कोई दूसरा पंडित छोड़ दे। तो महाराज जी, आप पहले बोल रहे थे कि हम 9 साल फरार जेल रह के आए, ऐसा क्या कर दिया आपने? वो मुद्दा जेल में रहे, वहाँ ऐसे घूमते पड़े रहे थे तो बंद कर दिया था रेलवे पुलिस ने, बंद कर दिया। देखो, अगर अपन कोई क्राइम करेंगे तभी ही बंद करेंगे, ऐसे तो सरकार मेहनत करके नहीं खाती हम बस। अच्छा, वहाँ ऐसे घूमते पड़े रहे थे तो बंद कर दिया था रेलवे पुलिस ने, बंद कर दिया। देखो, अगर अपन कोई क्राइम करेंगे तभी ही बंद करेंगे, ऐसे तो सरकार मेहनत करके नहीं खाती हम बस। अच्छा अच्छा, भजन किया खाए, कहीं जूता लात खाए, कहीं रोटी खाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं छीन के खाने की कोशिश करी? अरे अभी यही रोटी रखी थी, देखो ना। अरे नहीं, वो तो नहीं, वो तो अरे वो तो सही नहीं, हम अभी आपको खिला देंगे। वो कोई बात नहीं, वो आपने मुद्दा नहीं बताया कि आप जेल में रह के आए, उसका क्या? जेल में रह के आए हम, जिस गांव में पैदा हुए ना वहाँ कोई पानी नहीं देता। अच्छा, अब मेहनत करके हम खाना बेइज्जती समझते, फांसी लगा के मर जाओ, रेल की पटरी में कट के मर जाओ, लेकिन मेहनत करके नहीं खाना। अच्छा, पूरे गांव का सिस्टम है क्या? हमारे गांव में यही है। अच्छा जी, नाथ हमारी है सेवकाई, बसन भूषण ना लेंगी चोराई, लूटना पाटना सब हमारे यहाँ धर्म है। आपने किसी को लूट लिया, जेब काट ली? हाँ, इसीलिए बंद। अच्छा, पहले आप वो जेब कट रहे थे? बहुत बहुत थी। अच्छा, कितनों के जेब? हमारे यहाँ कटनी है, कटनी जेब, कटनी जेब, कटनी को कटनी नाम। आपने जबलपुर के पहले नहीं, आपने आज के 9 साल पहले कितने लोगों के जेब काटे, और गरीबों के काटे या पैसों वालों? अरे कोई भी मिला अपने को तो खाने से मतलब है, राम नाम जपना पड़ा है माल अपना। अच्छा जी, बस तो नाच हमारी है सिपाही, बसन भूषण ना नहीं चढ़ा। वो तो सही है, लेकिन गरीबों को तो बगस देते, अमीरों को काटते। गरीब कोई है नहीं दुनिया में। अच्छा जी, गरीब वो है जिसको बीवी मार नहीं रही। अच्छा, जिसको गरीबी छू नहीं रही। अच्छा, जिसको बीवी सुबह शाम मारती है, खाना नहीं देती, वो है गरीब। वो गरीब। अच्छा जी, तो आप तो गरीब हो नहीं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल साहब साहिब रघुराजू। तो दो भगवान राम गरीब है। देखो, 9 साल जेल काट, सीता जी को रात को निकाल दिया, आधी रात को ले जा लक्ष्मण, इस सीता को जंगल में छोड़ दे, भोजन काट दीजिए, जय श्री राम। इसके कारण राम ने रावण को मारा, ब्रह्म हत्या लग गई। अच्छा, एक औरत के कारण। अच्छा, शंकर जी को काली ने छाती में चढ़ के मारा, और राम के बाप दशरथ को कई कई ने मारा। आपके समय के कोई आप डके थे पहले, इसलिए आपको? हमारे यहाँ ऐसे ही है। अच्छा, चंबल की घाटी डांका, चंबल की घाटी डांकू, हमारे इधर प्रेम सिंह, बहुत डांकुओं का इलाका।
चलो जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।